वाला नॉलेज एजुकेशन पॉइंट माय नेम इज हिना ठक्कर और क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का आज हम चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा स्मॉल बिजनेस। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म करेंगे, समरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, एक चीज कवर करेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्मॉल बिजनेस क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, स्मॉल मतलब छोटा, बिजनेस मतलब व्यापार, यानी छोटे लेवल का जो बिजनेस है वो, उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि किस कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बताएंगे कि ये स्मॉल बिजनेस है या नहीं है, तो ये किस किस में आता है और कब कब क्या क्या इसका योगदान रहा गवर्नमेंट का, वो सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। स्मॉल बिजनेस स्मॉल स्केल का, छोटा स्केल होगा, कैपिटल कम लगाई जाएगी, लेबर कम, मशीन कम, हर चीज कम होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे स्मॉल बिजनेस। और इसको ऑपरेट और मैनेज कौन करता, चलाता कौन है, मालिक चलाता है, जो भी बिजनेस का मालिक होता है, जिसको हम ओनर भी कहते हैं। डिफाइन क्लियर है। अब हम चलते हैं अपनी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। इंडस्ट्री मैंने यहाँ चार्ट बनाया, वहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में दो तरह की आती है इंडस्ट्री, जैसे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से चली आ रही है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, जैसे कि हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, खादी, विलेज इंडस्ट्री, जो पहले हाथों से काम होता था, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है ट्रेडिशनल में। मॉडर्न में आता है SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि आज चल रही है। पावर लूम्स मतलब जो आजकल जो सामान मशीनों से बन रहा है, देखते होंगे कोई भी सामान लेते हैं, लाइक आप टॉप लेते हैं, शर्ट लेते हैं, पैंट लेते हैं, सब किससे बना होता है, बेसिकली मशीन से, तो उसे हम बोलते हैं पावर लूम्स, क्योंकि ये मॉडर्न है। मॉडर्न मतलब जो अब चल रहा है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपनी डिफाइन पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MSMED, ठीक है। क्या बोलते हैं, MSMED, इसका मतलब हुआ माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम मतलब मीडियम, ई मतलब इंटरप्राइज, डी मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। इस एक्ट के जो ये जो एक्ट था वो बनाया गया था 2006 में। इसका मतलब है स्मॉल स्केल इंटरप्राइज जो है उसको डिफाइन किया गया था कि वन वेयर इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम होगी तो वो किसमें काउंट हो जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंटरप्राइज को डिनोट करेगा। आई होप आपको क्लियर है, बहुत सिंपल था। अब चलते हैं, सर्वर पैरामीटर्स हैं हमारी, कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस का जो साइज है वो कैसा है, ठीक है। अगर आप भी किसी बिजनेस को देखते हैं, लाइक ऐसे ही रैंडमली देखते हैं, आप कोई उसकी कैपिटल नहीं देखते उस पर्सन की, या फिर आप ये नहीं देखते कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, उनके पास कितनी वेल्थ है, कुछ नहीं देखते, बस ऐसे एक अजम्पशन लगा लेते हो कि उनका जो बिजनेस है वो छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का या बहुत बड़े लेवल का है, ठीक है। तो आप तो एक अंदाजा लगाते हो, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि बिजनेस का साइज कैसा है, ठीक है। तो पहला आता है वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, की कितनी कैपिटल लगाई गई है बिजनेस में। नंबर टू है नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने हैं, कितने ज्यादा वर्कर हैं। एंड पावर कंज्यूम फॉर बिजनेस एक्टिविटी, की बिजनेस एक्टिविटी में पावर कितनी कंज्यूम करी गई है। नंबर फोर्थ इज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस, की आउटपुट ऑफ बिजनेस क्या है। आई होप आपको क्लियर था। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे कुछ कैपिटल मतलब कुछ कैटेगरी दी गई है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आप ऐसे ही रफली देख लेते हैं कि बता देते हैं कि ये छोटा बिजनेस है बड़ा, तो ऐसे ही यहाँ पे चार्ट मतलब प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया है मैंने, जिसमें बताया है कि ये माइक्रो में आएगा, माइक्रो बिजनेस में आएगा, स्मॉल में आएगा या मीडियम में। तो देखो सबसे पहला आता है हमारा लेस देन 25 लाख, अगर हमारे 25 लाख से कम है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता माइक्रो के, स्मॉल में क्या आता 25 लाख से 5 करोड़ और मीडियम में आता था 5 करोड़ से 10 करोड़। फिर सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिसके अंदर पता चलता है माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। तो देखो लेस देन 10 लाख है तो वो माइक्रो में आएगा, और अगर 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में तो स्मॉल है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है तो वो मीडियम है। आई होप आपको क्लियर था, बस आपको इस हिसाब का एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज ये चार्ट को अच्छे से देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नंबर थ्री पे चलते हैं, बेसिकली हमारा पॉइंट है रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। देखो स्मॉल स्केल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस में आ जाता है कि क्या रोल है उसका। पहला है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से हम समझ सकते हैं कि देखो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स था, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी है, बट स्टिल इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर जो था उसमें बहुत सारे लेबर जो थे वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे किस पे लगे हुए थे, एग्रीकल्चर पे लगे हुए थे, ठीक है। बट अब दूसरे नंबर पे कौन आता है, सेकेंड लार्जेस्ट इंप्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के बाद कौन आ जाता है,
हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस आता है, जिसमें लोग लग गए हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस चला रहे हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं और अच्छे तरह लाइफ चला रहे हैं, ठीक है। तो ये 95% हायर लेबर होते हैं, किसमें? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट आ रहा है 45% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो अपना टोटल एक्सपोर्ट जो होता है उसमें से 45% जो है, यानी कि 100 में से अगर 45% की बात करें तो वो टोटल एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बहुत तरह के गुड्स बनाती है, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स बनाना, स्टेशनरी, साबुन, लेदर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, इस तरीके के गुड्स बनाती है और आगे बेचती है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे? SSI जो है वो प्रोवाइड कर रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है किसको? यंग मेंस को और वुमेन्स को, ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, ठीक है। वो कुछ अपना योगदान दिखाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिससे कि इनको इंकरेजमेंट होता है, ताकि जो हमारे यंग मेंस है, वुमेन्स है, वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके और अपनी लाइफ चला सके। फिफ्थ पॉइंट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारा जो COP है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि SSI जो है एंजॉय कर रहा है एडवांटेज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज दे यूज लोकल रिसोर्सेज इन द प्रोडक्ट। वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हमारे कौन से हैं? लोकल रिसोर्सेज हैं, यानी जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है वो हमारे लोकल रिसोर्स से ही यूज हो रहे हैं। आई होप आपको क्लियर है। बहुत ही सिंपल था, जल्दी से रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से रोल है हमारे SSI के। पहला, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम मिला, ठीक है। एक्सपोर्ट यानी बहुत सारा जो है एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। वैरायटी ऑफ गुड्स बना रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इससे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का। लोगों को, मेंस एंड वुमेन्स को, अपने बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है क्योंकि हम अपने लोकल रिसोर्सेज को ही यूज कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल था, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, यानी गाँव में अगर हम देखे जाए इंडिया के जो गांव हैं, बेसिकली उसके अंदर स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, इससे क्या हुआ स्मॉल बिजनेस के आने से। पहला, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, गांव के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, पहले एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे गांव के लोग भी, लेकिन जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेटअप होने लगा गांव के अंदर, छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे व्यापार खुलने लगे, तो लोगों को काम मिलने लगा, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, रूरल एरियाज में भी लोग काम करने लगे। तो देखो जब रूरल एरिया गांव के अंदर लोगों को काम मिलने लगेगा तो लोग गांव छोड़ के जाएंगे ही नहीं, यानी माइग्रेशन भी प्रिवेंट होने लग गया। प्रिवेंट माइग्रेशन, माइग्रेशन कम होने लगा, क्योंकि माइग्रेशन कब होता है? जब गांव के अंदर फैसिलिटी नहीं थी। जैसे जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आई तो लोगों ने एक जगह से दूसरी, मतलब गांव से शहर जाना कम कर दिया, क्योंकि उनके गांव में ही क्या होने लग गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेटअप होने लग गया। नंबर 3 इज इंप्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंप्रूव हुई है, क्योंकि अब गांव के अंदर भी लोग अच्छी तरह बिजनेस चला रहे हैं, स्मॉल बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। इससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधर रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता जा रहा है। नंबर 4 इज यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। अब हमने रिसोर्सेज का जो है वो लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे अदर प्रोडक्ट हो गए, वुड हो गए, कोयर हो गए, ये सारी चीजों का यूज कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर है, बहुत सिंपल था, जल्दी से रिवाइज करते हैं। इससे लोगों को काम मिला गाँव के अंदर, माइग्रेशन कम होने लग गया, लोग शहर छोड़ के मतलब गांव जो है बेसिकली गांव अब गांव से कम जाने लगे शहरों में, ठीक है। नंबर 3 इकोनॉमिक ग्रोथ सुधरने लगी, क्योंकि लोगों को काम गांव में भी मिलने लग गया और उससे उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होने लगा, उनकी कंडीशन अच्छी होने लगी। नंबर 4 इज यूटिलाइजेशन लोकल रिसोर्सेज का भी अच्छे से, यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज मतलब लोकल रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन होने लगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब चलते हैं हम बेसिकली अपने नेक्स्ट पे, प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल बिजनेस। कि स्मॉल बिजनेस जो था, अब तक हमने समझ लिया कि गांव के अंदर स्मॉल बिजनेस का क्या योगदान रहा, लोगों को काम भी मिला, लोग अच्छा कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, गुजारा भी चला रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हमने सीख लिया। बट अब हमें देखना है कि स्मॉल प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल बिजनेस। देखो हर चीज में दिक्कत आती है, स्मॉल बिजनेस वालों को भी दिक्कत आ रही थी। किस चीज की दिक्कत आती है? पैसों की। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसे की
शॉर्टेज हो रही थी, कमी हो रही थी, इतना ज्यादा पैसा नहीं था क्योंकि स्मॉल बिजनेस है, कहां से इतना लगाएंगे पैसा, तो फाइनेंस की दिक्कत थी। नंबर टू रॉ मटेरियल एंड पावर, ठीक है, इसके अंदर क्या था कि रॉ मटेरियल पावर में भी कमी थी। देखो हर चीज बात जो होती है वो कहीं ना कहीं पैसों से लिंक होती है, ठीक है, पैसे से जुड़ी हुई होती है। जब इनको पहली प्रॉब्लम ही फाइनेंस की है तो जब पैसे की कमी होगी तो ये जो है बल्क में सामान नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि लोग लार्ज इंडस्ट्रीज होती है जो बड़े लेवल पे काम कर रही होती है वो हमेशा बल्क में सामान खरीदती है और उससे जो है अपना प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन इनके पास तो पैसे की कमी थी तो ये बल्क में सामान नहीं खरीद पा रहे थे, ठीक है। नंबर थ्री इज टेक्नोलॉजी, इनकी टेक्नोलॉजी थी ना वो बहुत ही ओल्ड थी, ये अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे। फिर से किस वजह से, क्योंकि इनके पास क्या थी, पैसों की कमी थी। तो आप फाइनेंस से हर पॉइंट को लिख सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, क्योंकि हर बात में, हर पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं बात जो है वो पैसे से ही आ रही है। फोर्थ पॉइंट है मार्केटिंग, ये भी हमारे फाइनेंस से जुड़ी हुई है। मार्केटिंग में आ जाता है, जैसे जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो हमेशा बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट करती है, बहुत अच्छी अच्छी एड्स करवाती है, बट यहाँ पे स्मॉल बिजनेस वालों के पास पैसा नहीं था तो वो अच्छी एड नहीं करवा सकते थे, अच्छा प्रमोशन नहीं करा सकते थे क्योंकि उनको फाइनेंस की कमी थी। फिफ्थ पॉइंट इज कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन किससे इनका फेस हो रहा था, लार्ज इंडस्ट्रीज से और MNC से, मल्टीनेशनल कंपनी से इनको कॉम्पिटिशन हो रहा था और वो उन्हीं को ही देखते थे कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उनके पास फाइनेंस की कमी नहीं है, तभी वो इतने अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं और स्मॉल बिजनेस नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे पैसों की कमी थी। आई होप आपको क्लियर है, जब ये पॉइंट लिखे, प्रॉब्लम्स लिखे, आप बस अपने माइंड में फाइनेंस वर्ड याद रखना, पैसे वाला वर्ड याद रखना कि फाइनेंस की कमी थी, और सारे पॉइंट को फाइनेंस से जोड़ जाड़ के लिख देना, नंबर मिल जाएंगे क्योंकि सबका लिंक पैसे से ही है। आगे चलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट ने कुछ, अब यहाँ चलते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस है, यानी कुछ गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी इनकी ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि इनको फाइनेंस की प्रॉब्लम थी ना तो गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प करी, जैसे कि पहला था इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड सेकंड वन इज इंसेंटिव। पहले हम समझ लेते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कौन से, इसमें बहुत सारे हैं बट मेन जो है NSIC और DIC है। NSIC का मतलब होता है द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये एक ऐसा आपका इंस्टीट्यूशन था जिसके जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1955 में। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज अच्छे से समझना। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट NSIC DIC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेगा, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तीन का पांच का बन सकता है आराम से। एस्टैब्लिश हुआ था 1955 में, यहां से पुट अप हो सकता है क्वेश्चन। मेन फंक्शन क्या था इसके, कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे रीजनेबल रेट पे, ठीक है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो कि जिनको फाइनेंस की दिक्कत थी, स्मॉल बिजनेस वालों को, उनको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था बिल्कुल रीजनेबल रेट पे, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ये। हेल्प इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का भी मौका दिया, किसने, NSIC ने। हेल्प इन एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट्स, इनके जो प्रोडक्ट्स थे वो बाहर भिजवाए, एक्सपोर्ट कराए, ताकि ये लोग भी इंटरनेशनल एंड MNCs यानी कि लार्ज इंडस्ट्रीज और MNCs के साथ कॉम्पिटिशन कर सके। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कर्स, अपने वर्कर्स को बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी, अच्छे तरह काम सिखाया, ताकि ये लोग भी आगे डेवलप करें, यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप कर सके, ठीक है। फिर चलते हैं DIC पे, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कहते हैं। ये इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये DIC 1977 के अंदर आया था, जो कि जब हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी, और इसमें खर्चा किसने किया था, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर इसके अंदर खर्चा किया था, और इनका एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, DIC is to make available all necessary services at one place, यानी वो एक ही जगह पे अपनी सारी सर्विस को प्रोवाइड करना चाहते थे। इनका पर्पस था कि लोगों को लैंड प्रोवाइड करना, लोगों को वर्कशेड प्रोवाइड करना एंड रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करना बिल्कुल सही रेट्स पे, ताकि हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज भी काम कर सके, वर्क कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि जब हमारा 95% योगदान जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज का है, जिससे ग्रोथ हुई है, तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि क्यों ना इनकी मदद की जाए और इनको आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और इससे हमारी इकोनॉमी डेवलप कर जाएगी। फिर बात कर लेते हैं हम लोग इंसेंटिव की, कुछ गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स भी दिए हैं जी, कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला तो है पावर, पावर में क्या है, कुछ स्टेट के अंदर जो पावर है वो कन्वेंशनल रेट पे दी थी, यानी 50% जो है वो माफ कर दी थी, ठीक है।
नेक्स्ट है कन्वेंशनल रेट पे हमारे को लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर में क्या था, लैंड जो थी वो कन्वेंशनल रेट पे दी थी और जो वाटर था वो ना ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे के बेसिस पे दे दिया था, कुछ भी चार्ज नहीं किया था। नंबर थ्री इज टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे में क्या होता है, बेसिकली 5 साल के लिए, स्टार्टिंग के 5 साल के लिए जो टैक्स था वो एग्जम्प्ट कर दिया, छूट दे दी, उनको नहीं भरना था। फोर्थ इज ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय हमारा एक लोकल टैक्स होता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली से सामान हरियाणा आ रहा है या दिल्ली से यूपी जा रहा है, किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो लोकल टैक्स लगता है, तो वो भी अबॉलिश कर दिया, वो भी हटा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को किस चीज की दिक्कत हो रही है, स्मॉल बिजनेस को किस चीज की प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो हो रही है हमारी पैसों की। तो उन्होंने ये सारे इंसेंटिव दिए ताकि हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस भी है वो आगे बढ़ पाए, और गवर्नमेंट को भी समझ आने लगा कि अगर हम इसमें मदद करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ही डेवलप होगी। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करा दिया, अपनी तरीके से बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की थी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप जो है कमेंट कर देना, और बिना किसी दिक्कत के। थैंक यू सो मच।